नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आधुनिक भारत के इतिहास का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका वीडियो नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर दिए, ये 18वां वीडियो होगा। तो इस 18वें वीडियो से हम जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का जो नाम है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इस चैप्टर से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो पिछली बार पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है सेल वाइज अरेंज किए गए ताकि आपको बेनिफिट हो चैप्टर पढ़ने पर भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फेसबुक पेज है उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो है डेली डेली मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, क्योंकि आप जान गए हैं चैप्टर का नाम ही है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कलकत्ता में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा है वो कलकत्ता में स्थापित किया था। ये भी इसके पीछे कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि 1781 में वारन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी और उस मदरसे के जो प्रथम प्रमुख थे उनका नाम था मुल्ला मुजुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुल्ला मुजुद्दीन। और इस मदरसे के अंदर जो है फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून जो है वो पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है जो ये वाला है ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत बार हर एग्ज़ामों में जो लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ये पूछा गया है, तो आपको ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए इसके संस्थापक जो है वो सर विलियम जोन्स हैं। ब्रिटिश सरकार के जो राज में जो है ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक है सर विलियम जोन्स हैं। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, 1784 में जो है हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग के सहयोगी थे सर विलियम जोन्स, उन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है स्थापना की थी। तो ये स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी ताकि जो है एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास और जो आपके पुरातत्व संबंधी जो कला विज्ञान और साहित्य है इनका अध्ययन यहाँ पे किया जा सके। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी उसी के बराबर लगभग इम्पोर्टेंट है। तो वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो आंसर है वो है जोनाथन डंकन ने। ठीक है, जोनाथन डंकन ने जो है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। और इस कॉलेज को खोलने की या इस महाविद्यालय को खोलने की जो मेन जो उद्देश्य था वो था हिंदुओं के धर्म साहित्य और कानून का जो है अध्ययन करना था। ठीक है, और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त को। तो पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता है वो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। और इस ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए हैं, सब इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है, जो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी जो है इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे कब से कब तक। तो याद रखिएगा 1892 से 95 तक। ठीक है, 1892 से 95 तक ये ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और विवेकानंद जी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर कि इन्होंने जो है 1893 में जो वो हुई थी धर्मों की संसद हुई थी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसे कहते हैं, उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बातें आपको जो है याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों चार्ल्स विल्किंस था, उसका नाम जो था चार्ल्स विल्किंस था। तो ये सब जो घटना हुई थी ना ये उस समय जो है वारन हेस्टिंग ही वो गवर्नर था, तो उसी के टाइम पर ही हुई थी। तो वारन हेस्टिंग के काल में ही जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवद गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था या आंग्ल अनुवाद किया था, ये भी आता है।
और जिसकी प्रस्तावना आपको मालूम है, प्रस्तावना जो बुक के स्टार्टिंग में लिखी जाती है उस जिसकी प्रस्तावना जो है वो स्वयं वारन हेस्टिंग ने लिखी है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स, इसका जो आंसर है वो है सर विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों आप जो है सर विलियम जोन्स को जान ही गए होंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है इन्होंने की थी, कब की थी, 1784 में, ये हमने बता ही दिया आपको। और सर विलियम जोन्स के बारे में आप ये याद रखिए कि जब वारन हेस्टिंग का टाइम था तो सर विलियम जोन्स जो थे वो कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो याद रखिए सर विलियम जोन्स ने ही जो है जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शकुंतला उसका जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसके जो है 5 संस्करण जो है प्रकाशित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो उसमें वो जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। जब वो शिक्षा का प्रसार कर रहे थे तो उनका जो है खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, प्रशासन का जो है खर्च बहुत बढ़िया बढ़ रहा था। तो इस खर्च को कम करने की उनको चिंता लगी रहती थी। इसके लिए दोस्तों सरकार जो है ब्रिटिश सरकार वो शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे जो है प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटी कर्मचारियों की जो है बड़ी और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है इनकी संख्या को बढ़ाना जरूरी था। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसका आंसर जो है वो चार्टर अधिनियम 1813, 1813 के चार्टर जो अधिनियम के तहत जो है कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया था। दोस्तों इसके तहत जो है उन्होंने ये है निर्णय किया कि प्रति वर्ष शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये शिक्षा से ही संबंधित था, चार्ल्स वुड का जो आदेश था वो शिक्षा से ही संबंधित था। तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये वुड घोषणा पत्र इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वुड घोषणा पत्र कहा गया था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा जो है 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। और इस घोषणा पत्र में जो है भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना जो है वो प्रस्तुत की गई थी, जिसे जो है वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले, 100 आर्टिकल वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम सुधारों और उसको कैसे बढ़ावा करना है, इस पर जो है विचार किया गया था। और इसी घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा के से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? ये तो आपको मालूम हो गया, क्वेश्चन में लिखा 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, मगर बोला गया है, पूछा गया है इस ऑप्शन के हिसाब से आप जान सकते हैं कि कहाँ प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर है कोलकाता से, ठीक है। तो उदत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 को हुआ था। यह जो है कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जो है शुरू हुआ था। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रकाशक, तो इसके प्रकाशक और संपादक है का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम जो है वो जुगल किशोर है। क्या है? जुगल किशोर, पूरा नाम अगर बताएं जुगल किशोर शुक्ला या शुक्ल, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका आंसर आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1854 के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में जो है WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। तो इसका कार्य दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इसका कार्य जो था वो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था।
तो इस आयोग की रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुई थी, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, सैडलर आयोग संबंधित था? तो दोस्तों सैडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1917 को, ठीक है, 1917 को। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, इसका जो आंसर है वो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। ये जो सिद्धांत है इसको मैं अगर इंग्लिश में बताऊँ तो द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो भारत के औपनिवेशिक काल में जो है द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन है, ये जो सिद्धांत था शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। और इस सिद्धांत का जो अर्थ था वह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही जो शिक्षा का असर है जन सामान्य तक पहुँचे। और मैकाले का यह कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो है प्रतिपादक कौन थे? मैकाले ही थे, उसी का ये विचार था दोस्तों, ठीक है। कितना गलत विचार था आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए जो शिक्षा है वो सबका अधिकार है, शिक्षा पर जो है सबका अधिकार है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलिए। तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 4 वीडियो इम्पोर्टेंट है आ रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही होंगे, तो देख लीजिएगा इन पर क्लिक करके। हम आपसे जो है मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।